ای hey, خداوند मेरी फरियाद तेरे हुजूर पहुँचे अपने कलाम के मुताबिक मुझे फहम अता कर मेरी इल्तजा तेरे हुजूर पहुँचे अपने कलाम के मुताबिक मुझे छुड़ा मेरे लबों से तेरी से ताइश हो क्योंकि तू मुझे अपने आइन से खाता है मेरी जबान तेरे कलाम का गीत गाए क्योंकि तेरे सब फरमान बरहक हैं तेरा हाथ मेरी मदद को तैयार रहे क्योंकि मैंने तेरे कवानीन इख्तियार किए हैं आय खुदाबंद मैं तेरी नजात का मुश्ताक रहा हूं और तेरी शरीयत मेरी खुशनुदी है मेरी जान जिंदा रहे तो वो तेरी सितइश करेगी और तेरे एह काम मेरी मदद करें मैं खोई हुई भेड़ की मानिंद भटक गया हूं अपने बंदे को तलाश कर क्योंकि मैं तेरे फरमान को नहीं भूलता तेरा हाथ मेरी मदद को तैयार रहे तेरा हाथ मेरी मदद को तैयार रहे कलाम जिंदगी सुनने वाले सब भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूं खैर मकदम करता हूं खुदा का शुक्र करता हूं आपके लिए मैं याद कर रहा था जुलाई का महीना था और यही हफ्ता था शायद नौवीं तारीख थी 1908 कितने बरस हो गए आप हिसाब लगाए तो टेलीविजन पर प्रोग्राम आया था पहला और आज तक खुदा ने मदद की है खुदा का शुक्र गुज़ारूँ सारे वसाइल के लिए जो वसीले पैदा हुए शुक्र गुज़ार हूँ आपके लिए कि आप दुआ करते हैं शुक्रगुज़ारूँ कि खुदा की मर्जी ये है कि मैं आज आपकी खिदमत में खुदा का क़लाम पेश करूँ कलाम ज़िंदगी प्रोग्राम देखने वाले भाई और बहनों आप जो खुदा का कलाम सुन रहे हैं मैं खुदा का ख़ास तौर पर आज शुक्र गुज़ार हूँ बहुत बातों के लिए बहुत बातों के लिए लेकिन ख़ास तौर पर इस खिदमत के लिए जो खुदा ने मुझे दी जहाँ तक मुझे याद है जुलाई का महीना था 1908 सौ आठ में यही हफ्ता था नौवीं तारीख थी कि पहली दफ़ा विजन टीवी पर ये हमें मौका मिला था और खुदा का कलाम पेश किया गया था सारे कैनेडा में वो सुना जाता था और आज कई चैनल्स हैं जो इसका इस्तेमाल करते हैं उन सब भाई बहनों के लिए जो इसके लिए दुआ करते हैं खुदा का शुक्र हो आपको खुदा बहुत बरकत दे और वो चैनल्स जहाँ ये इस्तेमाल होता है प्रोग्राम वो सबको खुदा बरकत दे मैं तो सिर्फ़ खुदा के हुकम की तामील करता हूँ हु, उसका हुक्म मान रहा हूँ मुझे ये मालूम नहीं है कि कहाँ कहाँ तक खुदा का कलाम पहुँचता है और ना ही मैं ये जान सकता हूँ कि किसके दिल पर खुदा के कलाम का क्या असर हुआ है सिर्फ ये दुआ करता हूँ कि अगर खुदा ने आपको बरकत दी है इस कलाम के वसीले से आपको खुदा की नज़दीकी महसूस हुई किसी बीमारी से शिफा मिली किसी बुरी बात से आज़ादी मिली तो आप खुदा का शुक्र कीजिए ज़रूर शुक्र कीजिए भूलना नहीं चाहिए इसलिए तो खुदा का बंदा कहता है कि आए मेरी जान खुदा को मुबारक कह और जो कुछ मुझ में है उसके कुद्दूस नाम को मुबारक कहे आए मेरी जान खुदा को मुबारक कह और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर तमाम दुनिया में लोग इस बात के लिए आमीन कहेंगे इतफाक करेंगे सहमत होंगे मेरे साथ कि खुदा का कलाम पाक है और इसका असर बहुत पाक है मुबारक असर होता है दिल पर अगर हम सुने और मान लें तो बरकत पर बरकत हमको हासिल होती है एक ही तरह की बरकत नहीं कुछ बरकत है तो वो उससे मांगते हैं हम यह समझ करके यही हमारी जरूरत है कुछ ऐसी बरकतें हैं जो वो दे देता है ये जानते हुए कि उसके बगैर हम इस दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकते तो बरकत पर बरकत नाजिल होती है उसका कलाम सुनने से और जब उसका कलाम असर करने लगे दिल में उसकी तासीर हो उसका नतीजा हो तो बरकत पर बरकत खुदा देता है इंसान किसी को कुछ नहीं दे सकता हम सब उसके मोहताज हैं, लेकिन खुदा अपने कलाम के सुनने वालों को बरकत देता है सुनने से बरकत पैदा होती वाली है ईमान सुनने से पैदा होता है सुनना मसीह के कलाम से फिर उसके बाद क्या कलाम सुनने से क्या काम होता है खुदा का जिंदगी में <laughs> जगह नहीं रहती बरकत के लिए इतनी बरकतें देता खुदा के कलाम का एक हिस्सा आपको पढ़ के सुनाऊंगा आप तो कहोगे इसमें क्या नई बात है ये तो हम जानते हैं खासतौर तो पर मेरे मसीही बहन भाई जिनके घरों में कलाम है वो पढ़ते हैं उन्होंने ये बात ना जाने कितनी इतनी दफा पढ़ी होगी खुदा के खातिबों ने कैसी कैसी प्यारी बातें सुनाई होंगी समझाई होंगी सिखाई होंगी लेकिन खुदा के कलाम की तासीर बड़ी अजीब है एक इसका मुझा यह है कि आप जितनी दफा इसे सुनेंगे और दिल के कान से सुनेंगे इस पूरे इरादे के साथ कि जो कुछ तू फरमाएगा मैं करूंगी मैं करूंगा तो आपको हर दफा नई बात मिलेगी इसमें मुझे <laughs> आदम छोटे थे पता नहीं फिर मैंने बनाना भी सीख लिया था कि वो चूड़ियाँ होती थी टूटी हुई चूड़ियाँ उनको जमा करते थे और शीशा काटते थे गोल एक दो शीशे होते थे फिर वो लंबी सी चीज़ बन जाती थी तो उसको घुमाते थे शायद किसी को याद आ जाए अजीब बात ये थी कि जितनी दफ़ा उसे घुमाएंगे उतनी दफ़ा वो टूटे हुए शीशों का इतना खूबसूरत नमूना बनता था कि वो टूटे हुए शीशे टूटे हुए शीशे नज़र नहीं आते थे एक नया नमूना होता था जितनी दफा आप उसे घुमाओगे उतनी दफा नया नमूना ये खुदा का कलाम ऐसे ही तो है जब टूटा हुआ दिल वो ख्वाब जो बिखर गए चिथड़े हो गए हैं कलाम सुनने के लिए जब वो फराहम हो जाए इकट्ठे हो जाए तो फिर जब उसको घुमाता है खुदा तो हर दफा आपको एक नई बात नजर आएगी और आप ताजुब करके कहेंगे ये मैं हूं ये आप हैं उसकी नजर से इतना दिल खुश होगा शुक्र गुजार होगा हिम्मत बढ़ जाएगी अरे ये मैं हूं अपने बारे में दो किस्म के तजुर्बे होते हैं एक वो तजुर्बा जब इन इन्हें अपने इंसान को अपना बातिन अपना दिल नजर आ जाए असल हालत और वो कहे हाय ये मैं हूं और फिर वो जब हम कलाम सुन के अपने आप को सुपुर्द कर दें तब दुनिया वाले देख के कहते वाह वाह वा, ये है कौन <laughs> ये कौन है जिसकी जिंदगी में इतनी खूबसूरती है फिर वो जानना चाहते हैं कि ये है कौन <laughs> सुनाता हूं आपको है अपनी कमजोरी की हालत में पर खुदा का भरोसा करके आपके लिए दुआ करके प्यार से अदब के साथ मैं आपको ये कलाम का हिस्सा सुनाऊंगा खुदा करे आप सुन सके खुदा करे आपके दिल तक उसके प्यार की आवाज पहुंच जाए आमीन ये हिस्सा जो मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने ये लूका की इंजील में से है और आप इसे अगर आपके पास इंजील है तो आप भी इसे पढ़िए क्योंकि अच्छा होगा आप देख सकेंगे मैं इंसान हूं कमज़ोर इंसान हूं गलती होती है लेकिन आप इसको देखिए ये लुका की इंजील में से मैं पढ़ रहा हूं पाँचवा बाब है और पहली आयत से लेकर ग्यारह आयत तक अगर आपके पास बाबुल नहीं है तो वो सुनिए ऐसा लिखा है जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और खुदा का कलाम सुनती थी भीड़ गिरी पड़ती थी किस पर खुदा मुझे सुमसी पर इतनी भीड़ थी कि संभाले नहीं संभाल रहा था मजमुआ तो सबब क्या था क्या सबब यह था कि वहां मोजात हो रहे थे ऐसा भी होता था लेकिन इस वाकई में कोई मुआजा नहीं हो रहा है कोई अजीब काम नहीं हो रहा है ऐसा हुआ है बड़ी भीड़ होती थी भीड़ की भीड़ ले आती थी मरीजों को और वो उन पर हाथ रखता था कई दफा सिर्फ कह देता था लोग शिफा पाते थे बड़ी भीड़ थी हजारों की जब वो खाना खा रहे थे और उनको ये समझ में नहीं आ रहा था खाना आया कहाँ से यहाँ उसने ऊपर देखा था अब भाई ऊपर किसी को खाना दिखाई देता रोटी मछली और खाना उसने ऊपर देखा खुदा का शुक्र किया अपने शागिदों से कहा भाई बांटना शुरू करो इनको बांटो वो शागिर्द कुछ नहीं उनको समझ में नहीं आ रहा कहां से आ रहा वो बांट रहे तो भीड़ थी इसलिए कि खाना था भीड़ होती थी इसलिए के मोइजात होते थे शिफा होती थी भीड़ थी लोग देखते थे कि बदरू निकल कैसे गई ये आदमी अपाहज इसको उठा के लाए थे ये चल फिर कैसे रहा है इसलिए भीड़ होती थी लेकिन यहां भीड़ का सबब एक और है कुछ नहीं हो रहा ऐसा जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और खुदा का कलाम सुनती थी हे मुबारक वो लोग जिनके दिल में खुदा का कलाम सुनने के लिए भूख है ना जाने क्या क्या सुनते हैं हम इस दुनिया में आजकल तो सिखाया जाता है झूठ बोलना इस तरह के लोगों को ऐसा लगे कि अगर कोई सच है तो यही है कमाल का झूठ बोलते हैं ऐसा लगता है जैसे ये सच है और वो मुकाबला करके कहेंगे सच बोलने वाले का कि ये झूठ बोल रहा ये ऐसा हो रहा दुनिया में बहुत मुश्किल ना जाने क्या क्या हम सोचते हैं फिर अपने दिल की भी बात सुनते हैं दिल कुछ और कहता है मेरा दिल कहता है हम अपने बच्चों को समझाएं कैसे समझाएं टीन को वो माँ बाप को उन, उनको देखते हैं और ऐसी ऐसी बातें सख्त दिली की बातें कह देते दिल टूट जाता माँ बाप का हमारी ज़िंदगी है वो वक्त वो वक्त और था या फिर अगर उनसे डरते हैं तो चोरी चोरी करते हैं वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काम करते हैं मेरा दिल ऐसे कहता है इससे खुशी होती है दूसरे लोगों को देख के कहते हैं वो भी तो ऐसा कर रहे हैं हम भी ऐसा करेंगे लेकिन ये कि इंसान के दिल में ये ख्वाहिश पैदा हो जाए और कहे भाई मालूम करना चाहिए कि खुदा क्या कहता है अगर कोई खुदा है तो क्या उसे दिलचस्पी है दुनिया से और अगर खुदा को इस दुनिया से दिलचस्पी है दुनिया के साथ उसका ताल्लुक है उसे फिक्र है कुछ करना तो क्या वो मेरे साथ भी कुछ करना चाहेगा मुझे जानता है खुदा <laughs> बहुत अच्छा सवाल है ये बहुत लोग सोच रहे हैं अगर कोई खुदा है तो उसे दिखाई नहीं देता कि मेरे साथ क्या हो रहा है मैं सुनता हूं ना लोगों से बातें होती हैं कहां है खुदा क्या कर रहा है क्या कर सकता है मुझे तो नहीं लगता वो कुछ कर सकता है मेरे लिए तो कुछ किया नहीं अब तक मैंने तो दुआ मांगनी ही छोड़ दी है कोई कह रहा था कि मांगा करेंगे अब से दुआ हिजरे यार की आखिर तो दुश्मनी है दुआ को असर के साथ हम जो मांगते हैं वो तो मिलता नहीं है जो मिलता है उससे ज़िंदगी तबाह हो रही है परेशान है परेशानियाँ यूँ ना मांगें फिर चलो शायद उसकी वजह से कोई अच्छी बात हो जाए तो लेकिन यहाँ आप ये देखेंगे इस बयान में जो मैं आपको पढ़ रहा हूँ कि एक शख्स है जिसे बरकत पर बरकत मिल रही है और इतनी बरकत उसको मिल रही है कि जगह नहीं है उसके पास रखने के लिए कलाम सुनने की वजह से यहाँ लिखा है कि कलाम सुनती थी वो भीड़ और वो गणेश रथ की झील के किनारे खड़ा था तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे दो कश्तियां लगी देखी लेकिन मछली पकड़ने वाले उन पर से उतरकर जाल झाल धो रहे थे मछलियाँ गिन नहीं रहे थे खाली जालों को धो रहे थे ना उम्मीदी नाकामी उसने उन किश्तियों में से एक पर चढ़ के जो शमाउन की थी उससे दरख्वास्त की किनारे से ज़रा हटा ले चल और वो उठकर लोगों को किश्ती पर से तालीम देने लगा जब कलाम कर चुका तो शमाउन से कहा गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए अपने जाल डालो शमाउन ने जवाब में उसे कहा आय हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ ना आया मगर तेरे कहने से जाल डालता हूं और यह बहुत गौरतलब आप यह किया, क्या किया उसका हुक्म माना यह किया और वो मछलियों का बड़ा गोल घेर लाए उनके जाल फटने लगे उन्होंने अपने शरीकों को जो उनकी किश्ती पर थे दूसरी किश्ती पर थे इशारा किया कि आओ हमारी मदद करो हमारे पास जगह नहीं रही बस उन्होंने आकर दोनों किश्तियां यहां तक भर दी कि डूबने लगी शमाउन पतरस ये देखकर यीशु के पाँव पर गिरा पांव में गिरा और कहा आए खुदा मेरे पास से चला जा क्योंकि मैं गुनहगार आदमी हूं क्योंकि मछलियों के शिकार से जो उन्होंने किया वो और उसके सब साथी बहुत हैरान हुए वैसे ही अब्दी के बेटे याकूब और यमुना भी जो शमाउन के शरीक थे हैरान हुए यह ने शमाउन से कहा खौफ ना कर अब से तू आदमियों का शिकार किया करेगा वो कश्तियों के किनारे पर ले आए सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए आपने सुना एक तदरीज है आहिस्ता आहिस्ता एक बात हो रही है एक पहले बात हुई उसके बाद एक और बात हुई उसके बाद एक और बात हुई कुछ हो रहा है होते होते <laughs> पहली बात यह है कि पतरस बिल्कुल नाउमीद आदमी है इस वक्त सारी रात उन्होंने मेहनत की है एक मच्छी भी नहीं लगी वही उनका रोजगार था बेचारे नाउमीद है लेकिन जहां भीड़ कलाम सुन रही है यह भी सुन रहा है काम भी कर रहा है जाल भी दो रहा कान उधर लगे हुए सुन रहा है खुदा का कलाम और फिर हम देखते हैं कि खुदा जीसू मसी उसकी किश्ती पर बैठ के उससे कुछ कहता है ये कहा उसे शमाउन से कहा गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए अपने जाल डालो गहरे में ले चल फिर से शिकार कर और वो खुदा से कहता है खुदा तेरा कलाम सुन के ऐसा तो लगता है कि तू उस्ताद है कलाम तेरा बहुत अच्छा लगा लेकिन तुझे क्या पता मछलियों के बारे में ये हमारा काम है सारी रात हमने मछली पकड़ी थी, कुछ हाथ नहीं लगा तेरा मशवरा मानने से क्या होगा हमें लेकिन उसने उनको मान कैसे लिया खुदासी की दरखास्त को कैसे मान लिया उसने दरखास्त की खुदा ने कभी किसी पर जबर नहीं करता जबरदस्ती नहीं करेगा देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं दरवाजा तोड़ के अंदर नहीं आता ऐसा नहीं कि दरवाजा खोला वरना मैं तोड़ दूंगा ऐसा नहीं है उससे दरखास्त की गहरे में ले चल मान कैसे लिया उसने कलाम सुन रहा था ना सुनते सुनते उसके दिल में ये बात पैदा हो गई ये उस्ताद मालूम होता है लेकिन देखिए उसे आगे क्या पता लगता है एक के बाद एक एक के बाद एक और फिर बरकत पर बरकत होती है कलाम सुनने वालों के लिए उसने कहा गहरे में दहनी तरफ जाल डालो वो कह सकता था हमने तो दोनों तरफ जाल डाला सारी रात लेकिन कहता तेरे कहने से जाल डालता हूं ये किया क्या किया जो वो कह रहा था वो किया खुदा जाने हम अपनी जिंदगी में क्या क्या करके देख चुके हैं और जो कुछ दिखाई दे रहा वो दुख का सबब है और कुछ नहीं मुबारक है वो जो कलाम सुन के कहे आए खुदा तू क्या फरमाता है जो कुछ वो कह रहा वो भी तो करके देखो एक दफा जिंदगी में क्या नतीजा हुआ है बरकत पर बरकत है इतनी बरकत आई है कि दूसरे लोगों को बुलाना पड़ गया है हुक्म मानने वालों के लिए इस दुनिया में बरकत है यानी कि जी यहां कुछ नहीं मिलेगा आसमान पर मिलेगा ऐसा नहीं है यहीं जी दुनिया में वो अपने लोगों पर इतनी बरकत बरसाता है कि उनके पास रखने के लिए जगह ना रहे कहा है खुदा मन ने मलाखी नबी की किताब में कि मैं आसमान के दरीचे खोलकर तुम पर इतनी बरकत बरसाऊंगा कि तुम्हारे पास रखने के लिए जगह नहीं रहेगी अगर तुम दौलत से ज्यादा मुझ पर भरोसा करो कलाम सुनने से क्या नतीजा निकला है हुकुम मान रहा है हुक्म वो मान रहा है जिसे मानना मुश्किल है ऐसी बात कह रहा जो उसकी अकल के मुताबिक नहीं है मेरी अकल मुझे बता रही सारी रात हमने मछली पकड़ी है या कुछ भी नहीं मिला तू कह रहा के जाल डाल तेरे कहने से वो क्यों कलाम की तासीर कलाम का असर और देखो यही नहीं कि उसकी किश्तिया मछली से भर गईं एक ऐसा काम हुआ उसकी जिंदगी में जो खुदा के सिवार कोई नहीं कर सकता हम लोग खुदा का दीदार हासिल करना मांगते हैं ना जाने क्या क्या करते हैं कि किसी तरह उसका दीदार हासिल हो और बड़े बड़े प्यारे प्यारे अल्फाज हैं इसके लिए इसे वसल कहते हैं आशिक और माशूक की मुलाकात हो जाए दरिया समुंदर में कतरा दरिया में मिल जाए जाने क्या, क्या क्या कहते हैं कि किसी तरीके से उसका दीदार हासिल हो दाऊद उसे कहता नजात बख्श दीदार यहां एक और किस्म का दीदार हासिल हो रहा उसे कलाम की तासीर देखो हुक्म मानने का नतीजा देखो उसे दीदार पहले अपना हो रहा है इससे पहले कि हमें खुदा का दीदार हासिल हो खुदा का जलवा नजर आए हमें अपनी जिंदगी में तारीकी नजर आती है मैं गुनागार आदमी हूं मेरे पास से चला जा पहले वो इतना ही कह रहा था कि ऐसा लगता तू उस्ताद है अब ये कह रहा है कि तेरी पाकिजगी के सामने मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा तू पाक है यह किस किस्म की पाकिजगी का मुकाशफा है आंख खुल गई तो वो खुदा को पहचान रहा कि जो कुछ हम देख रहा हूं ये इतना ही नहीं है और कह रहा मेरे पास से चला जा तेरी पाकिज की बर्दाश्त नहीं हो रही मैं गुनागार आदमी हूं कोई आदमी नहीं मानता कि मैं गुनाहगार हूं कोई आदमी अपना कसूर मानने को तैयार नहीं होता खुदा ने उस मसिन से कहा था कि तू गुनागार है यह कैसे उसको एहसास हो गया कलाम सुनने से आंख खुल गई खुदा उनको पहचान लिया गिर गया उसके सामने से मेरे पास से चला जा मुझसे बर्दाश्त नहीं तेरी पाकि और नतीजा क्या वो इससे रूहानी बरकत क्या मिली है जिसे बरकत मिली वो बरकत का बायस बना दिया गया का यही नहीं कि मैं तुझे बरकत दे रहा हूं तुझे बरकत बना रहा हूं पत्रस। दुनिया में लोग आदम खो रहे हैं आदमियों को खा रहे हैं और कहते हैं हमारा खुदा के साथ ताल्लुक है बर्बाद करते हैं जिंदगी को तू माहिर है मैं तुझे आदम खोर नहीं आदमगीर बनाऊंगा तेरी जिंदगी से जहां जहां तेरा कलाम पहुंचेगा लोग मुझे पहचानेंगे मेरे पास आएंगे और मैं उनकी जिंदगी में वही काम करूंगा जो तेरी जिंदगी में किया जैसे मैंने उनका गुनाह जाहिर कर दिया उनका गुनाह जाहिर हो जाएगा मैं अपने आप को उन पर जाहिर कर दूंगा कि मैं नजात देने वाला पाक खुदा हूं और उनकी जिंदगी भी तेरी तरह दूसरों के लिए बरकत का बायस बना दूंगा यह ना कह के मेरे पास से चला जा <laughs> ना सुना आपने प्यारे भाई इसे पढ़ो खुदा के कलाम को सुनो उसकी आवाज और कहो मुझे बता फरमा के तेरी बंदी सुनती है फरमा के तेरा बंदा सुनता है क्योंकि अगर आप उसका कलाम सुनना शुरू कर दो आपके अंदर वो बात पैदा हो जाएगी कि आप पहचानना शुरू कर दोगे कि वो है कौन उसको आप पहचानोगे तो आपको अपनी जरूरत का एहसास हो जाएगा और फिर वो आपकी जरूरत ही नहीं पूरी करेगा <laughs> कसरत से बरकत देगा कि आपके पास जगह ना रहे और आप दूसरों के लिए भी बरकत का बायस हो जाओ उन्हें भी कहो भाई देखो तो खुदा ने मुझे क्या दिया है। अपनी मछलियों में से दूसरों को मछलियां दे रहा है वो उनकी भी भर गई है आपको बरकत ही नहीं देगा बरकत का बायस बना देगा आपको बरकत बना देगा दूसरों के लिए एक दफा कह दो खुदा उनसे मैं भी सुन रही हूं तेरा कला मेरे अंदर भी ये तासीर पैदा कर दे असर पैदा कर कहो खुदा तेरे कलाम का असर मेरी जिंदगी में आप सुन रहे हैं क्या असर हो रहा है प्यारे खुदा ऐसा कर दे कि इसकी तासीर हो ऐसी कि जिंदगी तब्दील हो जाए और देखने वाले ताजुब करके कहें ये क्या हो गया सुनने वालों खुदा के प्यारों खुदा का कलाम सुनने वालों का तजुर्बा ये है कि सुनते सुनते कुछ होने लगता है दिल में उसकी तासीरें फ़र्क फर्क होती हैं कुछ ऐसे लोग हैं सुनने से एक दहशत पैदा हो जाती है कि मैं गुनहगार हूं मेरा होगा क्या कुछ ऐसे हैं जो खौफ के कब्ज़े में थे छुपे हुए थे कमरों में बंद कर रखा था अपने आप को खुदा कलाम सुना तो डर दूर हो गया बाहर आए और कह ये क्या हुआ कुछ ऐसे थे उनको असेब ज्यादा बदरुए तंग करती थी कलाम सुना तो ऐसा लगा जैसे सारे सभी कुछ बदल गया अब आजाद हैं आज हमने देखा कि कलाम सुना तो एक शख्स की जिंदगी में हुक्म मानने की तबीयत पैदा हो गई ताबेदारी पैदा हो गई जैसा खुदा ने उसको कहा उसने किया और उसने कहा ये किया तेरे कहने से जाल डालता हूं आपने ना जाने किसके कहने से या अपने कहने से क्या कुछ करके देख लिया है एक दफा उसके कहने से भी तो जाल डाल के देखो एक दफा सब कुछ छोड़ छाड़ के कहो खुदा हूं जो कुछ तू मुझसे फरमाएगा मैं करूंगी जो कुछ तू मुझसे कहेगा मैं वही कहूंगा वही करूंगा फिर देखना बरकत पर बरकत बरकत ऐसी के रखने के लिए जगह नहीं है वो जिसकी कश्ती खाली थी वो दूसरों की कश्ती को भर रहा है दूसरी किश्ती भी भर गई इतनी बरकत देगा खुदावंदा आपको यह उसका इरादा है यह उसकी खुशी है उसको खुशी होती लिखा उसकी शादमानी और उसकी खुशी अपने बंदे की इकबाल मंदी में है लोग पूछेंगे आपको यह कैसे हुआ आप बताएंगे कि खुदावन ने मुझ पर जाहिर कर दिया मेरा असल हाल फिर मैंने अपना हाल उसके सामने खोल दिया और कहा मुझ पर रहम कर उसने मेरा हाल बदल दिया मेरी चाल बदल दी और ये देखो उसने मेरे लिए क्या किया फिर आप हाथ जोड़ जोड़ के दूसरों को भी कहेंगे प्यारे भाई एक दफा उसका हुक्म मान के तो देख खुदा का कलाम जानना और बात है उसका हुक्म मानना और बात है पतरस ने कहा तेरे कहने से कुछ कह रहा हूँ खुदा खुदा आपको करके तो देखो खुदा आपको बरकत देगा खुदा मुझ पर भी रहम करता रहे आमीन